नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे इतिहास के बारे में। आज हमारे इतिहास में क्या हुआ है, आज हमारे इतिहास में किस महान पुरुष का जन्मदिन है, आज हमारे इतिहास में किस महान पुरुष की मृत्यु हुई है, आज हमारे इतिहास का कौन सा दिवस है और आज हमारे इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो आज के दिन घटित हुई थी, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो शुरू करते हैं, आज कौन सा दिवस है। आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में अनंत के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। आज टीचर्स डे है। आज के दिन पूरा भारत टीचर्स डे सेलिब्रेट करता है। अब हम आपको बताते हैं कि आज के दिन किस महान पुरुष का जन्म हुआ था। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षाविद, महान दार्शनिक और हिंदू विचारक थे। आज लक्ष्मीनारायण रामदास जी का जन्म हुआ है। लक्ष्मीनारायण रामदास जी का जन्म 5 सितंबर 1933 को हुआ है। एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास 1 दिसंबर 1990 से 30 सितंबर 1993 तक भारत के नौसेना अध्यक्ष रहे हैं। आज प्रज्ञान ओझा का जन्म हुआ है। प्रज्ञान ओझा का जन्म 5 सितंबर 1986 को हुआ है। प्रज्ञान ओझा एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। आज फिरोज़ पालिया का जन्म हुआ है। फिरोज पालिया का जन्म 5 सितंबर 1910 को हुआ है। फिरोज पालिया भारतीय क्रिकेटर हैं। आज वाचस्पति पाठक जी का जन्म हुआ है। वाचस्पति पाठक जी का जन्म 5 सितंबर 1905 को हुआ है और इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1980 को हुई है। वाचस्पति पाठक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। आज वी ओ चिदंबरम पिल्ले जी का जन्म हुआ है। वी ओ चिदंबरम पिल्ले जी का जन्म 5 सितंबर 1872 को हुआ है और इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1936 को हुई है। वी ओ चिदंबरम पिल्ले तमिलनाडु के एक राजनेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब हम आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन किस महान पुरुष की मृत्यु हुई है। अंबिका प्रसाद दिव्य की आज मृत्यु हुई है। अंबिका प्रसाद दिव्य का जन्म 16 मार्च 1906 को हुआ है और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1986 को हुई है। अंबिका प्रसाद दिव्य शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार थे। आज शरद जोशी जी की मृत्यु हुई है। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को हुआ है और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 को हुई है। शरद जोशी हिंदी जगत के प्रमुख व्यंग्यकार थे। आज सलील चौधरी जी की मृत्यु हुई है। सलील चौधरी जी का जन्म 19 नवंबर 1923 को हुआ है और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1995 को हुई है। सलील चौधरी हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। उन्होंने प्रमुख रूप से बंगाली, हिंदी और मलयालम फिल्मों के लिए संगीत दिया था। आज मदर टेरेसा जी की मृत्यु हुई है। मदर टेरेसा जी का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ है और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई है। मदर टेरेसा ने भारत के दीन दुखियों की सेवा की थी। आज नीरजा भनोट जी की मृत्यु हुई है। नीरजा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 को हुआ है और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1986 को हुई है। नीरजा भनोट मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचालिका थी। 5 सितंबर 1986 के मुंबई में न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 के अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए वे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई थी। 1839 आज के दिन चाइना में पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ था। 1914 आज के दिन ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रशिया में लंदन संधि हुई थी। 1991 आज के दिन नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था। 2009 आज के दिन एनएससी ने 10 कंपनीज पर कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया था।
तो ये था आज का हमारा इतिहास। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।